हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता। इसे हम कम ऑयल में बना के तैयार करेंगे। खाने में ये बहुत टेस्टी होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने यहाँ गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। इसमें हमने आधा कप सोयाबीन डाल लिया है। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है, तो इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। जब ये ठंडा हो गया, इसका पानी हमने चेंज कर लिया है। अब हम इस सोयाबीन को हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इस सोयाबीन को हमने मिक्सर जार में डाल लिया है और इसे अब हम हल्का सा पीस लेते हैं। तो इसका दरदरा सा पेस्ट सा हमने तैयार कर लिया है। पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं एक कटा हुआ प्याज और प्याज को हल्का सा सुनहरा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। कटा हुआ पत्ता गोभी डाल लेते हैं। अगर आप कोई और वेजिटेबल्स भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पत्ता गोभी को हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। थोड़ी देर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पत्ता गोभी जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। हमने जो सोयाबीन को पेस्ट बना के रखा था, उसे अब हम इसमें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, सोयाबीन से इस नाश्ते में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और सोयाबीन जो होती है वो प्रोटीन से भरी हुई होती है। तो चलिए अब हम इससे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे हम करीब 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए हम सोयाबीन को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच विनीगर। 1/4 टीस्पून हमने इसमें डार्क सोया सॉस डाल लिया है, और 1 चम्मच टमाटो केचप डाल लेते हैं। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम करीब और 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही साथ हम इसमें धनिया का पत्ता भी डालेंगे। तो गरम मसाला हमने डाल लिया है, धनिया पत्ता भी हमने डाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा स्टफिंग बन करके तैयार है, और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। तो अब हम इस स्टफिंग को साइड में रख लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हमें इसका यूज़ करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमने पहले से ही डो बना करके रख लिया था, तो इसमें से हमने एक लोई ले ली है और इसे अब हम इस तरह से रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें बीच से इस तरह से काट लेते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच स्टफिंग जितना भी आता है, उस हिसाब से आप इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से स्टफिंग हम डाल लेते हैं, और आधे में ही हम स्टफिंग डालेंगे, पूरी रोटी में हम स्टफिंग नहीं डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्टफिंग को डाल लेते हैं, और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे एक साइड से उठाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं, और उंगली के हेल्प से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर ले। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं ताकि ये हेल्दी रहे। तो चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ हमने पैन में ऑयल को गरम किया हुआ है, तो इसमें हम 2 चम्मच ऑयल गरम करके इस नाश्ते को इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो जब एक तरफ से ये सिक जाता है, तो इसे अब हम पलट लेते हैं। ये देखिए, कितना सुनहरा सा ये कलर आया है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए,
दूसरी तरफ से भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से सुनहरा हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे आप दे सकते हैं। और ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम इस नाश्ते को तोड़ के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्टफिंग से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।